किसान देखता है कि उसका खेत किसी ने रात में कुचल दिया है, इसलिए वो गुस्से में अपने तीनों बेटों को बुलाता है और उन्हें खेत को दिखाते हुए उसकी देखभाल का जिम्मा सौंप देता है। इन तीनों बेटों में जॉन, जो कि सबसे छोटा बेटा था, उसको सभी आलसी मानते थे, इसलिए जॉन के बड़े भाई उसका फायदा उठाते हुए उससे खेत की निगरानी अकेले ही करने को कहते हैं। जॉन भी मान जाता है और अकेला ही खेत की निगरानी करने लगता है। लेकिन उसकी दिक्कत तो तब बढ़ती है जब वो रात में अकेला ही खेत में पहरा दे रहा होता है, क्योंकि उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एक बहुत बड़ा सफेद कलर का घोड़ा दिखाई देता है। ये सब देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी इतना बड़ा घोड़ा नहीं देखा था। इसीलिए वो रस्सी से घोड़े को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन घोड़ा भी जोन को घसीटते हुए वहां से भागने लगता है। और खूब देर तक भागने के बाद वह घोड़ा एक दलदल में जाकर फंस जाता है। हालांकि जॉन भी घोड़े पे दया दिखाते हुए उसकी मदद करता है और उसे दलदल से बाहर निकाल लेता है। जॉन देखता है कि उसकी आंखों में आंसू है, इसलिए वो उसे रस्सी से आजाद करते हुए उससे कहता है कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम कभी भी दोबारा इस खेत में नहीं आओगे। घोड़ा भी ये सुनकर उसे धन्यवाद देते हुए यहां से चला जाता है। हालांकि जॉन को ये चीज नहीं पता थी कि उसके इस नेक काम से उसकी किस्मत बदलने वाली है। अगली सुबह जब जॉन जागता है तो वो देखता है कि उसके फार्म हाउस पर तो दो घोड़े बंधे हुए हैं। जॉन समझ नहीं पाता कि यह सब क्या हो रहा है, और तभी उसे एक आवाज कहती है कि यह उसके लिए एक गिफ्ट है। जॉन पलटकर देखता है तो उसे वहां पर एक छोटा घोड़ा दिखाई देता है। वो जॉन से कहता है कि कल रात जिस घोड़े को आपने बचाया था वो मेरी माँ थी और वह आपसे बहुत खुश है, इसलिए उन्होंने आपके लिए दो घोड़े गिफ्ट में भेजे। जॉन यह सुनकर बहुत खुश होता है। तभी जॉन को अपने पिता की आवाज सुनाई देती है। जॉन बाहर आता है और अपने पिता को बाहर ही रोकने की कोशिश करता है ताकि वह अंदर ना आ सके, और वो उन्हें बाहर से ही वापस भेज देता है। एक बार फिर से जॉन उसी छोटे घोड़े जिसका नाम फॉयल होता है उसके पास वापस आता है और वो फॉयल पर सवार हो जाता है। फॉयल तेजी से दौड़ने लगता है और जॉन उसकी स्पीड देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि जॉन ने आज से पहले इतना तेज दौड़ने वाला घोड़ा कभी भी नहीं देखा था। इसके बाद फॉयल एक आवाज लगाता है जिससे वो दोनों घोड़े जो कि फार्म हाउस पर होते हैं वह भी भागते हुए उनके पास आ जाते हैं। जॉन सोचता है कि वह इन घोड़ों को बाजार में बेच देगा। जॉन जब घोड़े बेचने के लिए बाजार में आता है तो कई लोग जॉन से वो घोड़े खरीदना चाहते थे। हालांकि फॉयल भी जॉन को सलाह देता है कि हमें इन घोड़ों को बेंच में बैठे उस बुजुर्ग आदमी को बेच देना चाहिए, लेकिन जॉन इन घोड़ों को तो राजा को बेचना चाहता था ताकि उसे बहुत सारे पैसे मिले। और जब राजा आता है तो वह घोड़ों को देखकर मोहित हो जाता है, क्योंकि आज से पहले उसने इतने सुंदर घोड़े कभी भी नहीं देखे थे। लेकिन मंत्री राजा से कहता है कि ये घोड़े चुराए हुए हैं, इतने सुंदर घोड़े इस लड़के के हो ही नहीं सकते। राजा भी इस मौके का फायदा उठाता है और बिना पैसे दिए जॉन के दोनों घोड़े ले लेता है। जब जॉन पैसे की बात करता है राजा चुप रहता है और वहां से चला जाता है। फॉयल भी जॉन को डांटता है, मैंने पहले ही कहा था कि इन घोड़ों को उस बुजुर्ग आदमी को बेचना चाहिए। हालांकि फॉयल जॉन को उदास देखकर दुखी हो जाता है, इसीलिए फॉयल एक बार फिर से आवाज लगाता है और दोनों घोड़े आवाज सुनकर भागते हुए इनके पास वापस आ जाते हैं। लेकिन इन दोनों को ये चीज नहीं पता थी कि घोड़ों की वजह से राजा की बग्घी पलटकर आटे की बोरियों पर गिर चुकी है, जिससे राजा का पूरा चेहरा सफेद हो जाता है। इसलिए राजा को जॉन पर बहुत जोर से गुस्सा आता है। हालांकि राजा अपनी प्रजा के सामने जॉन को कुछ भी नहीं कहता और वो इस बार जॉन से इन घोड़ों की कीमत लगाने को कहता है। लेकिन राजा का मंत्री कहता है कि क्यों ना हम जॉन को अपने पास काम पर रखकर आपकी इस बेइज्जती का बदला ले लें। राजा जॉन से बदला लेना चाहता था, इसलिए वो उसे अपने पास घोड़ों की देखभाल करने के लिए रख लेता है। जॉन भी हंसते हंसते इस नौकरी के लिए मान जाता है और वहीं पर रहकर राजा के कामों को करने लगता है। धीरे धीरे सभी उसके अच्छे स्वभाव की वजह से उसे प्यार करने लगते, लेकिन राजा उसे अपने बदले की आग के चलते मारना चाहता है। इसलिए राजा का मंत्री उसे कहता है कि हमें जॉन को ऐसा काम देना चाहिए जिसे वो पूरा ना कर पाए और उसके बदले हम उसे मार दें। इसलिए मंत्री राजा से कहता है क्यों ना हम जॉन से वो जादुई फिनिक्स बर्ड मंगवाए। उसको लाना बहुत मुश्किल है क्योंकि आज तक उस बर्ड को कोई भी नहीं ला पाया और जॉन कभी भी वो जादुई फिनिक्स बर्ड नहीं ला पाए। तभी आप जॉन को मौत की सजा सुना देना। राजा को अपने मंत्री का आइडिया बहुत पसंद आता है, इसलिए राजा जॉन को ये काम दे देता है और जॉन भी इस काम के लिए आसानी से मान जाता है। हालांकि फॉयल जॉन को डांटता भी है, वो उसे कहता है कि जादुई बर्ड को लाना इतना आसान भी नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। लेकिन जॉन इस काम के लिए हाँ कर चुका है, इसलिए वो फॉयल की पीठ पर बैठकर बिजली की स्पीड से दूर एक जंगल में चले जाते हैं, जहाँ पर फॉयल जॉन को सबसे पहले एक पेड़ के पास लेके जाता है, जहाँ पर उन्हें बहुत सारे ड्रीम नट्स मिलते हैं। जैसे ही जॉन वो जादुई फल उठाता है तो फॉयल उसे खाने के लिए मना करते हुए कहता है कि ये फल नशीले हैं, इन्हें खाते ही तुम बेहोश हो जाओगे। हालांकि फॉयल जॉन से कहता है कि ये फल जादुई बर्ड को बहुत पसंद है, वो रोज रात को इन्हें खाने आता है और जैसे ही वो इन्हें खाकर बेहोश हो जाएगा हम उसे पकड़ लेंगे। इसलिए ये दोनों रात होते ही जादुई फल को फैलाकर फायर बर्ड का वेट करते हैं। अब जैसे ही जादुई फायर बर्ड को उस फल की खुशबू आती है वो इन्हें खाने के लिए यहाँ पर पहुँच जाता है और ये सब देखकर फॉयल और जॉन दोनों बहुत खुश होते हैं। इधर फायर बर्ड मजे से वो फल खा रहा होता है और थोड़ी देर बाद वो फायर बर्ड गहरी नींद में सो जाता है। लेकिन जैसे ही जॉन उस बर्ड को पकड़ने जाता है तभी वो होश में आ जाता है और गुस्से में जॉन का पीछा करने लगता है, जिससे पूरे जंगल में आग लग जाती है। हालांकि वो फायर बर्ड इन दोनों को पकड़ भी लेता है, लेकिन इससे पहले वो जॉन को मार पाता। जॉन अपने पास बचे आखिरी जादुई फल को फायर बर्ड की तरफ फेंक देता है और जैसे ही वो फायर बर्ड उस फल को खाता है वो एक बार फिर से बेहोश हो जाता है। जब सुबह उसे होश आता है तो वो देखता है कि जॉन ने उसे जंजीरों से जकड़ा हुआ है। फायर बर्ड की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये देखकर जॉन का दिल पिघल जाता है और उसे फायर बर्ड पर दया आ जाती है, इसलिए वो उसे छोड़ देता है। लेकिन उसे ये चीज नहीं पता थी कि ये उसकी सबसे बड़ी गलती हो। सब्सक्राइब और